कैसे पटना जाएगी, तो वहां से फोन कैसे करेगी। चलो ठीक है, देखो हमारे वीआईपी सौम्या बाबू आ रहे हैं अभी, बड़े लोग ही सब है। सौम्या हो गया, सतीश आता है, झलक दिखाता है। आनंद बाबू वीडियो ऑन कीजिए। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम बाबू सर्किल्स पढ़ रहे हैं। तो सर्किल्स में हमको इस क्लास में क्या पढ़ना है? थ्योरम पढ़ना है ना, बहुत सारे थ्योरम पढ़ना, 30 गो 35 गो है ना, बहुत सारे थ्योरम पढ़ना है ना। थ्योरम होता क्या से क्या चीज सर? आप जो बचपन में पढ़ते हो क्लास 8 तक के है ना, उसी चीज को आपको प्रूफ करना रहता है। क्लास 8 तक के जो चीज आप पढ़ते हो उसी चीज को क्या रहता है, थ्योरम में क्या करना रहता है, प्रूफ करना रहता है ना, प्रूफ करना रहता है, और कुछ नहीं होता। जो आप रियलिटी जानते हो उसी को क्या करना रहता है, प्रूफ करना रहता है ना। ठीक, तो उसी से रिलेटेड बाबू कल ये थ्योरम आपको बताया थे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कंग्रेंट सर्किल। दो को सर्किल दिया हुआ, दोनों सर्किल क्या है, कंग्रेंट है। कंग्रेंट सर्किल हम लोग किसको कहते हैं सर? ऐसा लोग वीडियो ऑन करो। वैसा सर्किल बाबू जिसका रेडियस सेम हो और सेंटर क्या, हमने एक दूसरे को यहाँ पे ला के रखो, क्या होगा, ओवरलैप कर लेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंग्रेंट सर्किल कहेंगे ना, कंग्रेंट सर्किल कहेंगे। ठीक, तो ये दोनों का सर्किल अगर कंग्रेंट है सर, तो सेंटर पे क्या बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा से? काय भोले बाबू हर्षिता, भोले क्लास नहीं है जी, पर से सब फेंक देने खोजता था हर्षिता। तो बाबू क्या कर रहा है, वही कर रहा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ कंग्रेंट सर्किल। बाबू दो को सर्किल है सर, दोनों का कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू, इस कॉर्ड्स के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये कॉर्ड है ना बाबू, ठीक सर, तो इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना, ये वाला एंगल। सी डी कॉर्ड है, इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बना, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपको क्या होगा, इक्वल होगा, यही प्रूफ करने का रहा। इससे जिंदगी में आसान कोई चैप्टर ही नहीं, सबसे आसान ये। हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे सर? तो कोई भी चीज इक्वल ट्रायंगल वगैरह में प्रूफ करने रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वेंसी प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कन्वेंसी प्रूफ करते हैं। जैसे किसी ट्रायंगल का है ना, जो ट्रायंगल का बाबू अगर कंग्रेंट हो जाता है, तो उसके बाद हर एक एंगल हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। यही ना सीखे, तो हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ क्या, वो टू कंग्रेंट सर्किल मान लेते हैं, वो सर्किल क्या सी ओ आर है और सी ओ डैश आर डैश है ना, दो सर्किल मान लेते हैं सर, क्या जाता है, दोनों कंग्रेंट है ना, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। कुछ कॉर्ड सर बाबू इक्वल, दोनों का हमको क्या दिया, कॉर्ड इक्वल दिया, मतलब ए बी और सी डी क्या दिया, ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, कॉर्ड इक्वल दे दिया सर। हाँ सर, तो आपको क्या करना, आई तो बताइए, जब दोनों बाबू सर्किल कांग्रेंट है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। रेडियस क्या होता है सर, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो ये सेंटर है सर, आई सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी, ये रेडियस हो गया, तो ये भी रेडियस हो गया सर, ये भी रेडियस हो गया, दोनों सर्किल का रेडियस रेडियस क्या होगा, सेम होगा, है ना। ठीक बाबू, हमको प्रूफ क्या करने का रहा, एंगल ए ओ बी सी ओ डी डैश क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए ओ बी और सी ओ डैश डी, इसको हमको क्या, इतना हमको प्रूफ करना कि ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, दो सर्किल दे दिया, दोनों कंग्रेंट दे दिया, दोनों कंग्रेंट सर्किल का कॉर्ड क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा, बस वही प्रूफ करना है। बस हमको क्या प्रूफ करना, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। अगला थ्योरम में क्या कह रहा, दोनों थ्योरम में एक दूसरे का कन्वर्स है ना, कन्वर्स है। थ्योरम में जनरली एक दूसरे का उल्टा भी सही होता है ना। इसमें क्या करा कि दो गो सर्किल है सर, अगर सेंटर पे बाबू कार्ड के द्वारा इक्वल एंगल बन रहा, यहाँ पे एंगल इक्वल दे दिया, यहाँ पे क्या करा, ये दोनों एंगल इक्वल है, सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहा, तो आपको प्रूफ करो कि कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है, तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनेगा, ये आपको प्रूफ करना है। इसमें आपको क्या करा कि सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहा है, तो कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इसका क्या, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कन्वर्स स्टेटमेंट है ना, कन्वर्स है ना। इस स्टेटमेंट में क्या करा कि कॉर्ड इक्वल दे दिया गया, तो आपको प्रूफ करना है सेंटर पे इक्वल एंगल बनेगा, और इसमें सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहा है। थ्योरम नंबर 13 में सेंटर पे इक्वल एंगल बन रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बस कुछ नहीं करना, यही। तो हम लोग कैसे करेंगे सर, चलेंगे बाबू ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डैश डी में, ट्रायंगल एक और दो में मूव करो, ऐसा मैं वीडियो ऑन करो बाबू। कैसे मूव करेंगे सर, तो देखो इस दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, ओ ए और ओ डैश सी बराबर होगा, ओ ए ओ डैश सी बराबर क्या है सर, दोनों सर्किल का रेडियस सेम होगा। वो क्यों सेम होगा सर, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है, तो रेडियस क्या होगा, सेम होगा। हाँ सर, ओ बी ओ डैश डी, ओ बी और ओ डैश डी, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हाँ सर, क्या है सर, सर्किल का रेडियस है सर, आई गो कॉर्ड वाई इक्वल दे दिया, ए बी बराबर सी डी दे दिया सर, इसमें क्या समझना, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल का तीनों साइड सेम हो गया, इस साइड इस साइड इस साइड, तीनों साइड ट्रायंगल का साइड सेम हो गया। जैसे तीनों साइड अगर सेम हो जाता है तो ट्रायंगल मेरा क्या हो जाता है, कंग्रेंट हो जाता है। अब कंग्रेंट हो जाता है ट्रायंगल, तो उसके बाद हम लोग डांस करते हैं, क्या डांस करेंगे,
कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स आर क्या, इक्वल, है ना। तो इसीलिए एंगल ए बी सी और डी डैश क्या होगा, इक्वल होगा। बस हो गया प्रूफ, यही करना था। इसमें क्या करना, इसी बात को उलट कर करना। इसमें अभी एंगल आपको इक्वल दे ले हैं, इसमें एंगल आपको क्या दिया, इक्वल दिया हुआ। तो आपको प्रूफ करो, क्या प्रूफ करना है सर, रिकॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें एंगल इक्वल दिया हुआ था, हम लोग क्या ट्रायंगल एक और दो में चलो, ट्रायंगल एक दो में चलेंगे सर। दो को साइड इक्वल है ना बाबू, बीच वाला एंगल इक्वल दे ले है ये, तो ट्रायंगल क्या होगा, ऐसे ऐसे कंग्रेंट हो जाएगा। आज जैसे ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया तो ये दोनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यही तो करना है, ट्रायंगल कंग्रेंट तो साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, नेक्स्ट होता है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाबू। कैसे मैं वीडियो ऑन करो बाबू, समय से ऑन करो बाबू, नेक्स्ट बाबू इसको कंटिन्यू करो। वी हैव टू प्रूव बाबू ए बी बराबर कितना सी डी। थ्योरम जनरली बाबू जो भी आप बचपन में पढ़े हो उसी चीज को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। बचपन आप पढ़े होगा वो कि इक्वल कॉर्ड्स के द्वारा वो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, उसी बात को प्रूफ करो। बस यही चीज होता है बाबू हायर क्लासेस में, आपको तो होता नहीं है, यही सब आपको 10 साल में सिखाता है स्कूल वाला। स्कूल में आप लोग कितना देते हो, एलकेजी से देते हो ना, जब तो 2 साल इसको लूट है, एगो प्री एलकेजी एगो प्ले ग्रुप चला है स्कूल। हम लोग के समय में प्ले उले ग्रुप कुछ होता था, बच्चा का सीधे एडमिशन डायरेक्ट वन। अब तो यहाँ एगो प्ले ग्रुप एगो एलकेजी यूकेजी, 3 साल तो ऐसे लूट लिया आप लोग से पैसा। उसके बाद 1 2 3 4 पांचवा जीते जीते बच्चा का उम्र इसी मैंने 5-8 साल हो जाता है स्कूल में, बेचारा सीखता कुछ नहीं है। नेक्स्ट बोला तो हमको क्या है बाबू, इसमें क्या बाबू, ये गिवन दिया हुआ है ना, हमको वी हैव टू प्रूफ बाबू, क्या करना बाबू, वी हैव टू प्रूफ बाबू, वी हैव टू प्रूफ दैट, क्या करना है बाबू, ए बी बराबर सी डी, कॉर्ड ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, ये हमको प्रूफ करना। ठीक है सर, हम लोग कैसे चलेंगे बाबू, प्रूफ हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे बाबू, कुछ नहीं करेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी में एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी में क्या होगा सर, ए ओ ए बराबर ओ डैश सी, कैसे सर, रेडियस है। ठीक, नेक्स्ट बोले ओ बी बराबर ओ डैश बी, ये भी का है सर, रेडियस है सर, और एंगल एगो बराबर दिया बाबू, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, सी ओ डैश डी, ये का है का सर, ये दिया हुआ बाबू, ये एंगल वा दे दिया गया है ना। ठीक बोला, नेक्स्ट बाबू तो हम जब ये ट्रायंगल क्या हो गया सर, दो को साइड एगो एंगल से, तो इसलिए बाबू ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल सी ओ डी, सी डैश ओ डी के कंग्रेंट हो गया, कैसे सर, एंगल एंगल साइड एंगल साइड एंगल, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, बीच वाला एंगल हो गया, फिर साइड हो गया, एस ए एस ए, और जैसे ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाता सर तो जाके डांस करो, हर एक चीज इक्वल, दो ट्रायंगल कंग्रेंट तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, इसीलिए ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, यही तो करना, इसलिए ए बी बराबर कितना होगा, सी डी होगा, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट सी पी सी टी, तो यही तो हमको प्रूफ करने कह रहा था बाबू, है ना, यही तो प्रूफ करने कह रहा था। लिखो सीता नींक डालते, अब अगला थ्योरम आपको समझने वाला है, अगला दो थ्योरम है बाबू, इसको समझो मन से, ये दो खत्म हो जाएगा तो फिर कल से हम लोग, कल आप कल सारा बच्चा बाबू ये रिवाइज करेगा, कल आप लोग का टेस्ट ले लेंगे। सर वहां पे ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश डी होगा ना, ओ डैश डी होगा, वेरी गुड बोला, कल आप लोग का टेस्ट लेने लेंगे बाबू, प्राइज वाला टेस्ट होगा, इंक डालना है जी, गरीबी तो आ जाता बाबू इंक से, बिजली बिल से हम लोग इसी परेशाने रहते हैं।
जल्दी लिखो जी। ब्लू कलर, सारा फॉर्मूला याद करो बाबू, जितना पीछे वाला फिर उसका फॉर्मूला बाबू, क्या बोलते सलोनी, नंबर सिस्टम का। अभी आप दोनों का फेयर चेक नहीं हुआ, सलोनी का नहीं हुआ सर, नंबर सिस्टम तो नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़े हो, का नहीं पढ़े भोली? मेरे बुक में है ना सर, सेता का बुक में, मैं उसमें से देख के याद कर लूंगी। अरे वो वाला हमको नहीं ना बाबू आपका। अच्छा नंबर तो फॉर्मूला का पहले ये पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाए थे, उसको याद करो। 16 को टाइप का एंगल पढ़ाए। यस सर, उसको याद करो। आप फेयर भी चेक करते हैं आप दोनों का, बहुत शैतानो। जल्दी देखो जी, थ्योरम नंबर 14, इसको समझना है थोड़ा सा। 14 क्या कहता है सर, पहले लिखाते हैं उसके बाद समझाते हैं। 14 में थोड़ा सा समझना है बोला, थोड़ा सा है, कुछ नहीं। थ्योरम नंबर 14, थ्योरम 14, 20 को से ज्यादा होगा थ्योरम, ठीक है ना। On any two chords, on any two chords of a circuit, so that sir office sir ke log hai na, nahi babu, on any two chords of a circuit, so that थोड़ा सा फुट पटांग स्टैंडर्ड, सो डैट वन बीच इज लार्जर, बताते हैं समझाते हैं, वन बीच इज लार्जर इज नियरर nearer to the center, to the center of circle। कुछ ना समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी समझाते हैं सर। On any two chords of a circle, of a circle, सभी तो मैं भी बोल रहा, of a circle, समझाते हैं भी। सर्किल है, ए बी है, अच्छा इसको ए बी के ऊपर बनाओ, सर्किल का सेंटर है, ए बी है, ई ओ है, उससे हो गया एल। लिखो, समझाते हैं, रोना नहीं है कि सर नहीं समझा रहे, समझा रहे अभी। ओ से हो गया एम, डायग्राम इससे ऊपर जूम करके डायग्राम बनाएंगे, अभी सिर्फ आपको खाली बता रहे हैं।
ये सी डी हो गया, गिवन क्या दिया बोला, अमन से पढ़ना शुभ, शैतानी सब टेन में जाए वाला है, कुटू कोड एवी एंड सिटी ऑफिसर के विथ सेंटर ओ सच डेट ए बी ग्रेटर देन सी डी B have to prove that chord A B is nearer chord A B is nearer of the circuit. That is लिखो सिद्धांत, बताते हैं समझाते हैं, ओ एल लेस देन ओ एम ए समय सिद्धांत वीडियो ऑन करो बाबू, सबसे कम पीती हाई खाली। श्रुति का लाइट बंद कर लीजिए, श्रुति सर लाइट नहीं बनती, तब लिखिए समझाते हैं भोला, बहुत काम है बाबू, इतना सारा वर्कलोड है, आज किसको किसको जाके पिटना है, एक अनुष्का हो गई, इधर मंगला स्थान, उधर शुभ, तैयार रहेगा शुभ पिटाने के लिए बाबू, कोई मर्सी नहीं बाबू, और धर्मवीर तो भी खैर उसका तबीयत खराब है, जल्दी 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 बाबू, सर हो गया, चलो इसको समझते हैं हम लोग, है ना, है थ्योरम से बहुत पढ़ना, साइक्लिक थ्योरम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुत सारा थ्योरम है जी, देखो शैतान करना क्या है इसमें बाबू, लिख ली श्रुति, सर लिख रही हूँ, जल्दी कर बोले, इसको लिखो, इसको समझाते हैं, इसका 50 नंबर क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, देखो कहाँ क्या रहा, शांति से समझना, आपको करा कोई सर्किल है तो दूगो कॉर्ड होगा, है ना,
तो जब कह रहा है जो कॉर्ड बड़ा होगा वह सेंटर के क्या होगा, पास होगा, यही आपको प्रूफ करने का रहा। मतलब क्या, ये रियल लाइफ चीज है सर, जो बाबू जो कॉर्ड बड़ा होगा वो सेंटर के क्या होगा, पास ही होगा। अरे कोई सर्किल बनाओ, ठीक है सर सर्किल बना लिया, ऐसा में से वीडियो ऑन करो ना जी, इसका सेंटर हो गया, ठीक है सर। अब इसमें जो बड़का कॉर्ड बनेगा वो क्या होगा, सेंटर के पास होगा। मतलब बड़का कॉर्ड कैसे बनेगा सर, देखो एगो कॉर्ड ये हो गया सर, तो ये छोटा हो गया, इससे बड़ा ये वाला कॉर्ड हो गया, इससे बड़ा ये वाला कॉर्ड हो गया, तो ये तीनों में सबसे बड़का कॉर्ड ये है, तो ये क्या है सेंटर के पास है। जो जितना बड़ा कॉर्ड होगा वह क्या होगा, उतना ज्यादा सेंटर के क्या होगा, पास होगा, है ना, पास होगा, है ना, यही कह रहा। मतलब क्या कह रहा है सर, कुछ नहीं कह रहा भोला, ये तो रियल लाइफ चीज है ना जी, कॉर्ड के साइज बढ़ाते जाओगे तो सेंटर से उसकी दूरी क्या होगी, घटते जाएगी, रियल लाइफ चीज है, है ना। जितना छोटा कॉर्ड सेंटर से उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, दूर रहेगा। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, जैसे एक सर्किल बनाते हैं, ठीक ठीक सर बना लिया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ क्या हो गया सर, सर्किल का सेंटर हो गया, थोड़ा कम गोल है सर, गोल वाला बनाइए, हम लोग गोल हैं, पृथ्वी गोल है, ठीक। एक सर्किल बनाते हैं सर, ठीक बाबू, ठीक था गोल हुआ। तो आपको प्रूफ करने का रहा वो जो कॉर्ड बाबू सेंटर के पास, मतलब जो लार्जर कॉर्ड होगा वह सेंटर के पास हुआ, यही प्रूफ करने का। तो एगो कॉर्ड इस तरह से बनाते हैं बाबू जो सेंटर के क्या रहे, पास रहे, इस तरह से वो कॉर्ड बनाया सर ए बी बाबू, जो क्या हो सेंटर के पास रहे, ठीक। तो जो कॉर्ड सेंटर के पास होगा वह सेंटर से कम दूरी पे होगा। एगो और कॉर्ड बनाते हैं सर, शांति से समझना, अभी लिखना नहीं है। एगो कॉर्ड और बनाते बाबू, ये भी हो गया, दूसरा क्या बना देते हैं, सी डी बना देते हैं। तो ये कॉर्ड ए बी क्या है मेरा, ए बी कॉर्ड बड़ा है और सी डी कॉर्ड छोटा है। तो कॉर्ड जब सी डी छोटा था क्या, सेंटर से क्या दूर है, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला सर, है ना, ठीक बाबू, यहाँ पे क्या डाले, परपेंडिकुलर डाले। इसको थोड़ा सीधा करके बनाओ तो आपको अच्छा फीलिंग होगा, है ना, एगो को सीधा करो एगो को तिरछा करो तो अच्छा से डायग्राम बनेगा। इसको थोड़ा सीधा कर लेते इस तरह से, ठीक, ए बी हो गया, ये क्या हो गया सी डी हो गया, ठीक। तो यहाँ से ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक, ये सर्कल का सेंटर ओ हो गया, है ना, हाँ सर, ठीक है। तो दो कॉर्ड हो गया ए बी और सी डी, तो ए बी मेरा बड़ा कॉर्ड है सर, सी डी मेरा क्या है छोटा कॉर्ड है, है ना, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू, यहाँ से इस पे 90 डिग्री डालो सेंटर पे, यहाँ पे क्या डालो 90 डिग्री बना बाबू, इससे सेंटर से बाबू इस कॉर्ड पे क्या करो 90 डिग्री एक ड्रा करो, ताकि सेंटर को क्या करें बाइसेक्ट करें। 90 डिग्री कैसे ड्रा करेंगे, इस तरह से बोला, ये हो गया सर्किल का सेंटर, ये हो गया और ये हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक ठीक सर। देखो कहा क्या रहा, कहा क्या रहा, शांति से समझना। आपको दो गो कॉर्ड दिले सर ए बी और सी डी, तो आपको ये दिया हुआ सर, दिया हुआ क्या बाबू, ए बी का लेंथ क्या है बड़ा है, आपको दिया हुआ ए बी का लेंथ क्या है सर बड़ा है, ठीक है ना, सी डी का लेंथ क्या है छोटा है, ठीक, आपको दिया हुआ ए बी ग्रेटर देन क्या दिया हुआ सी डी दिया हुआ, है ना, दिया हुआ ए बी ग्रेटर देन क्या दिया हुआ सी डी दिया, ठीक। तो हमको प्रूफ करने क्या कह रहा, आपको प्रूफ करने कह रहा बाबू, जो कॉर्ड बड़ा होगा बाबू ओ एल हो गया ओ एम हो गया, जो कॉर्ड बड़ा होगा वह सेंटर के पास होगा। तो जो कॉर्ड बड़ा होगा वो क्या होगा, सेंटर के पास होगा। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, जो ओ एल लेंथ है वो कम होगा, ओ एल जो लेंथ है बोला, जो ओ एल का लेंथ है वो कम होगा और ओ एम का लेंथ क्या होगा ज्यादा होगा, यही आपको प्रूफ करने का रहा। अरे शैतान बार बार बोले, एगो सर्किल दे दिया और हम दो कॉर्ड दे दिया, एगो कॉर्ड बड़का रख दिया, एगो कॉर्ड छोटका रख दिया, ठीक। तो कह रहा है जो बड़का कॉर्ड होगा ना उस सेंटर के पास होगा, सेंटर के ज्यादा नजदीक होगा, और जो छोटका कॉर्ड होगा उस सेंटर से दूर होगा। तो सेंटर से दूरी हम लोग कैसे दर्शाएंगे, ओएल लेंथ में मेरा क्या होगा कॉर्ड से सेंटर के बीच की दूरी होगा, तो जो पास होगा तो उसका ओएल क्या होगा कम होगा, ई लेंथ कम होगा और ओएम लेंथ क्या होगा ज्यादा होगा, यही बात को आपको प्रूफ करने का रहा। कब बाबू, जब आपको दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, ए बी ग्रेटर देन क्या दिया गया सी डी दिया गया, ए बी ग्रेटर देन क्या दिया गया सी डी दिया, है ना, ठीक है।
हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इससे आसान कोई थ्योरम नहीं है सब। एनो शैतान वीडियो ऑन करो, ये सबसे आसान थ्योरम है, वो सबसे भी आसान है, चटनी है, कुछ नहीं करना। ओ को क्या करो, ओ को सी से मिला दो और ओ को ए से मिला दो। ठीक ठीक सर, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे सर, ज्वाइन ओ टू सी एंड ओ टू ए। लिखना नहीं है, पहले समझना है कंस्ट्रक्शन बाबू, अभी लिखना नहीं है, अभी समझो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे सर, ज्वाइन बाबू ओ टू सी एंड क्या बाबू ओ टू ए, ज्वाइन क्या बाबू, इसको ना लिखना। ठीक बाबू, अब यहाँ आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सर, कौन सा सर, ए ओ एल एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर, और ओ सी एम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना भोला, कैसे सर। अरे मेरे लाल, बचपन में पढ़ा है बाबू कॉर्ड से, बाबू कॉर्ड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इसको पर क्या करता है ना, परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस पर 90 डिग्री बनता है ना, सेंटर से बाबू कोई भी लाइन पे बाबू है ना भैया, कॉर्ड को बाइसेक्ट करे तो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना, शांति समझना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते बाबू क्या सर, ओ ये राइट एंगल ट्राइंगल बने बाबू, ओ ए स्क्वायर वाला कितना, ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, कर सकते कि नहीं कर सकते। अरे इन राइट एंगल ट्राइंगल में ओ ए एल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा तो क्या लिखोगे, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर करोगे, दिस स्क्वायर है ना, हाँ सर इतना तो कर सकते हैं। ठीक, सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या है, आर है, सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या, आर है, तो दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग ऊपर वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्या लिखेंगे, ओ सी स्क्वायर, ऊपर से क्या लिखेंगे, ओ सी स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, ओ एम स्क्वायर प्लस कितना, सी एम स्क्वायर। अरे वो राइट एंगल चुल्लू भर पानी में मर जा, मुंह लटकाई दे, एक राइट एंगल ट्राइंगल नंबर एक बना तो ये हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर करेंगे, एक ऊपर भी तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ओ सी स्क्वायर बराबर कितना लिखेगा, ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर या सी एम स्क्वायर। ठीक ठीक, हाँ सर दोनों बाबू ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर बराबर है ना सर, का है सर, का है कि दोनों सर्किल का रेडियस है, दोनों सर्किल का क्या है, रेडियस है ना जी, ओ ए और ओ सी क्या है, बराबर है, चूंकि ओ ए बराबर क्या है सर, ओ सी है, का है सर, ये भी सर्किल का रेडियस है, ये भी सर्किल का रेडियस है, तो इक्वेशन वन का शांति समझना लिखाएंगे, अभी समझो लिखना नहीं है, इक्वेशन वन टू का अगर राइट हैंड साइड बराबर है या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो आर एच एस बराबर ना हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते हैं, ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर बराबर कितना, ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, कर सकते हैं ना। अरे शैतान ये दोनों बराबर हो गया, ओ ए ओ सी बराबर, क्या है सर, सर्किल का रेडियस है सर, तो रेडियस बराबर होता है, तो एल एच एस बराबर तो आर एच एस आपस में बराबर। ठीक हाँ सर, समझ में तो आ गया सर। नेक्स्ट बोला तो ओ एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर, ओ एल स्क्वायर और ए एल स्क्वायर और ओ एम स्क्वायर और सी एम स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। ठीक नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट क्या करना है, अब शांति से समझना, सोचना है थोड़ा सर, सोचना है नेक्स्ट क्या करेंगे सर, नेक्स्ट कुछ नहीं करना बाबू है ना, नेक्स्ट क्या करना थोड़ा सा और सोचो। ठीक हमको दिया हुआ क्या, शांति समझो, हमको ये कंडीशन दिया हुआ, इसको थोड़ा सा यूज करो, तो ए बी ग्रेटर देन क्या दे ले, सी डी दे ले, दिया हुआ क्या है बाबू, कंडीशन क्वेश्चन में क्या करा कि जो बड़का कॉर्ड है ए बी ग्रेटर देन सी डी, ए वाला कॉर्ड की लंबाई क्या बड़ा है, ए बी क्या है सी डी से ज्यादा है, तो ए बी ग्रेटर देन क्या है सी डी है ना, हमको प्रूफ करने क्या करा, ई वाला दे दिया गया, आपको प्रूफ करने क्या करा कि ओ ए लेस देन ओ ए, ये आपको प्रूफ कर, जो बड़ा कॉर्ड होगा वो सेंटर के पास होगा, तो सेंटर के पास होगा तो सेंटर से उसकी दूरी क्या होगी, कम होगी, जो सेंटर के पास होगा उसकी दूरी कम होगी, तो ओ एल की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ओ एल की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक तो ए बी ग्रेटर देन क्या दिया, सी डी दिया हुआ। ठीक सर इतना तो बात हमको समझ में आता है। एक चीज और आपको सूर्य से बता रहे हैं, ए एल बराबर क्या लिख सकते हैं बताए तो, ए एल बराबर क्या होगा, ए एल बराबर क्या होगा, ओ से एल से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए एल बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी नहीं लिख सकते हैं, ए एल बराबर ई लेंथ क्या होगा, ए बी का आधा नहीं होगा सर, कैसे सर, थ्योरम नंबर वन, सर्कल के सेंटर से बाबू कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर है ना, डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता तो ये जो लेंथ होगा पूरे का आधा, उसी तरह से जो सी एम लेंथ होगा क्या होगा, पूरे का आधा हो जाएगा, पूरा सी डी है तो उसका आधा मेरा क्या मिलेगा, सी एम मिलेगा, बाइसेक्ट करेगा ना, हाँ सर, तो बात तो समझ में आती है सर। ठीक ठीक बोला है ना, ठीक सर, अब ए बी ग्रेटर देन क्या है, सी डी है ना। ठीक बाबू यहाँ से थोड़ा सोचो, हमको क्या लाना है, ये वाला टर्म हाफ ऑफ ए बी लाना है, तो हाफ ऑफ ए बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो,
इसमें एक बटा दो से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेटर देन वन बाई टू कितना सी डी। ठीक ठीक सर, एक बटा दो से दोनों साइड क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए। अब हाफ ऑफ ए बी बराबर कितना है सर, ए एल है। हाफ ऑफ ए बी, एक बटा दो ए बी बराबर क्या है सर, ए एल है। अरे ए बी का आधा ए एल होगा, तो ई ए एल हो गया ग्रेटर देन सी डी का आधा, सी डी का आधा सी एम हो गया। हाँ सर बात तो समझ में आ गया सर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दो किसी भी बाबू इतना है ना, स्क्वायर करने से मेरा वैल्यू चेंज नहीं होता, ए एल स्क्वायर बराबर कितना होगा सी एम स्क्वायर हो गया। ठीक इतना तक हमको दिक्कत नहीं है सर, ए एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर हो गया, तो ए एल स्क्वायर हो गया सर। और ओ एल स्क्वायर अगर जोड़ देते सर तो मेरा काम हो जाएगा। इस दोनों इक्वेशन में ए एल स्क्वायर बाबू ग्रेटर देन सी एम स्क्वायर है। ठीक ये तो मेरा आ गया। अरे कुछ नहीं किया, जो कंडीशन था ना उसी कंडीशन को उठा, कंडीशन क्या दल ए बी ग्रेटर देन सी डी दल। ठीक ठीक सर, तो दो से डिवाइड कर दो दोनों साइड, किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हाफ ऑफ ए बी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ ए बी के वैल्यू क्या ए बी का आधा ए बी का आधा था एल हो गया, सी डी का पूरा सी डी है उसका आधा कितना हो जाएगा सी एम हो जाएगा, ए एल ग्रेटर देन सी एम, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए तो ए एल स्क्वायर बराबर कितना ग्रेटर देन सी एम स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या करो ओ एल जोड़ दो, हमको यहाँ ओ एल दिया हुआ ना, हमको इस इक्वेशन को लाना, ए एल स्क्वायर आया ना जी, ओ एल दोनों साइड जोड़ दो यहाँ, इसमें भी ओ एल स्क्वायर अटैच कर देते हैं और इसमें भी ओ एल स्क्वायर क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। अपने किसी भी इक्वेशन में आप अपने मन से सिमिलर क्वान्टिटी दोनों साइड जोड़ सकते हो, सिमिलर नंबर से भाग दे सकते हो, सिमिलर नंबर से डिवाइड कर सकते हो और दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो, दोनों साइड क्यूब कर सकते हो, इससे आपका वैल्यू चेंज नहीं होता, इससे वैल्यू आपका चेंज नहीं होता है ना। ठीक हो, तो ओ एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर क्या हो गया ओ एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर हो गया। ठीक और सी एम स्क्वायर ओ एल स्क्वायर हो गया, तो ओ एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर क्या लिखेंगे ओ एम स्क्वायर लिखेंगे। अरे मेरे शैतान, ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ से ओ एम स्क्वायर लिखेंगे, अब प्लस सी एम स्क्वायर लिखेंगे ग्रेटर देन सी एम स्क्वायर हो गया, अब प्लस कितना हो जाएगा ठीक ओ एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ठीक बोलो, सी एम सी एम मर गया तो ओ एम स्क्वायर ग्रेटर देन कितना ओ एल स्क्वायर। ठीक दोनों साइड सेम है तो स्क्वायर रूट चढ़ाओगे तो स्क्वायर रूट यहाँ से गायब करोगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते। अभी बोला किसी इक्वेशन में बाबू आप दोनों साइड किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, किसी नंबर को जोड़ सकते हो, किसी नंबर को घटा सकते हो, किसी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब रूट कर सकते हो, दोनों साइड सेम ऑपरेशन कर सकते हो। तो दोनों साइड अगर इसका स्क्वायर रूट कर दोगे भोला, इसे जयमाला पहना दो दोनों साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ ओ एम स्क्वायर कितना हो जाएगा ओ एम हो जाएगा ग्रेटर देन ओ एल कितना हो जाएगा ओ एल का स्क्वायर ओ एल हो जाएगा, तो ओ एम ग्रेटर देन ओ एल इसको ऐसे लिख सकते हो ओ एल लेस देन ओ एम हो गया है ना, ओ एम बड़ा है ना ओ एल छोटा हो गया, या ऐसे लिख सकते हो ओ एल छोटा हो गया ओ एम बड़ा हो गया। तो यही चीज ना हमको प्रूफ करने का रहा था, यही तो हमको प्रूफ करने का था ना, हमको क्या प्रूफ करने का रहा था, यही प्रूफ करने का रहा था ना। अब इसी को थोड़ा सा लिखा देते हैं ना बाबू। ठीक नेक्स्ट बोला तो क्या बाबू, ज्वाइन ओ टू सी बाबू, ज्वाइन ओ टू सी एंड ओ टू ए, ओ सिक्स सी ज्वाइन करो और ओ टू ए ज्वाइन करो, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ज्वाइन ओ टू लिखो, ज्वाइन ओ टू ए बाबू एंड ओ टू कितना बाबू सी, ओ से सी ज्वाइन कर। ठीक नेक्स्ट बाबू ए एल बराबर हाफ ऑफ ए बी कैसे बाबू, चूंकि बाबू ओ एल इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ओ एल, फिगर आप लोग फिर से ड्रा कर लो, छोटा बनाया होगा डबल खर्चा होता है। नेक्स्ट बाबू लिखो शैतान मेरा, इसको भी हटाइए देते हैं बाबू, काहे ना रखेगा पास में, क्योंकि ओ एल इज बाबू परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑन कॉर्ड बाबू ए बी, क्योंकि ओ एल इज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑन ऑफ कॉर्ड
of chord AB, इसलिए OL बराबर half of perpendicular bisector है, इसीलिए AL बराबर half of AB, एक equation one. Similarly OM क्या perpendicular है, इसीलिए CM बराबर half of CD, equation two. नाउ बाबू ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया ऊपर, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से प्रूफ लिखना. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा सर, AOL में, AOL राइट एंगल ट्रायंगल AOL में बाबू कैसे कर सर, बचपन में मम्मी पढ़ाई है, OA स्क्वायर बराबर AL स्क्वायर प्लस कितना भोला OL स्क्वायर, यही मम्मी पढ़ाई आप लोग को. ठीक ठीक सर. नेक्स्ट भोला, ठीक इन राइट एंगल ट्रायंगल कितना बाबू MOC में इन सर. हाँ सर, कंस्ट्रक्शन में सर ज्वाइन ओ टू सी एंड ओ टू ए होगा ना सर, दोनों में सी लिख दिए. हाँ ज्वाइन ओ टू सी और ओ टू ए इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें सर, सी ओ एम, चलो बाबू ओ सी स्क्वायर बराबर, ये तो बचपन में आप लोग को मम्मी पढ़े की है, सी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर या एम ओ स्क्वायर, यही होगा, क्योंकि बाबू ओ सी और ओ ए क्या है, इक्वल है, इक्वेशन टू हो गया, अभी नहीं दो टू करने दो, क्योंकि ओ सी बराबर क्या है, ओ ए है, क्यों सर, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल है, रेडियस ऑफ क्या है, सर्किल. ठीक, तो यहाँ से कह सकते हो स्क्वायर करो दोनों साइड, ओ सी स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा. अभी यहाँ ओ सी स्क्वायर है, ओ सी स्क्वायर वाला क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से ओ सी वाला क्या लिखेंगे, ओ ए लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर सी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, इक्वेशन टू हो गया. ठीक ठीक सर. है ना, अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से बाबू एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से ये दोनों बराबर हो गया, इसीलिए एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर बराबर सी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर. नाउ बाबू अगेन दिया हुआ, गिवन दैट ए बी जो कॉर्ड है ग्रेटर देन है सी डी से. ठीक सर. नेक्स्ट भोला, इसी को क्या करो भोला, ए बी बराबर क्या लिख सकते सर, हाफ ऑफ ए बी बराबर क्या इतना है सर, वो इक्वेशन थर्ड होगा सर, इक्वेशन वन टू, इक्वेशन वन टू और ये थर्ड करो, है ना, दोनों साइड ए बी बराबर ये दिया हुआ सर, डिवाइड बाय बाबू या मल्टीप्लाई वन बाय टू बोथ साइड क्या करेंगे, वन बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, सी डी हो गया, एक बटा दो से मल्टीप्लाई करो,
एक वटा दो से मल्टीप्लाई किए, एक वटा दो से मल्टीप्लाई किए, हाफ ऑफ है भी क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए एल बन जाएगा, हाफ ऑफ सी डी क्या बन जाएगा, सी एम बन जाएगा। ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक ठीक बोला। स्क्वायरिंग बोथ साइड बाबू, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए एल स्क्वायर ग्रेटर देन सी एम स्क्वायर, ठीक, एड ओ एल स्क्वायर बोथ साइड, इसमें क्या करो, दोनों साइड ओ एल एड करो, एड ओ एल स्क्वायर बोथ साइड, शैतान समझ में आ रहा है जी, ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, कुटाने के लिए तैयार है ना सो, ग्रेटर देन ओ एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ये इक्वेशन फोर हो गया। ओएल स्क्वायर प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर प्लस ओएल स्क्वायर ग्रेटर देन ओएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर, ठीक, एल स्क्वायर ओएल स्क्वायर क्या है सर, एल स्क्वायर ओएल स्क्वायर कितना है बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से यहीं से ताजा ताजा, एल स्क्वायर ओएल स्क्वायर कितना है सर, एल स्क्वायर ओएल स्क्वायर कितना है सर, सी एम स्क्वायर है, तो सी एम स्क्वायर हो गया, सी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर ग्रेटर देन ओ एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, सी एम सी एम मर गया, एम ओ स्क्वायर ग्रेटर देन ओ एल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एम ओ ग्रेटर देन ओ एल या ओ एल लेस देन एम ओ है ना, यही तो था बाबू, ओ एल कम हो गया इसीलिए बाबू कॉर्ड ए बी इज नियरर टू द सेंटर सी डी, कॉर्ड ए बी इज नियरर नियरर टू द सेंटर कॉर्ड ए बी इज नियरर टू द सेंटर देन सी डी देन बाबू सी डी अड्डी कैसे लिखेंगे नहीं बनता, ठीक बोल लिखो एक बार और समझाते हैं, बहुत सारा नहीं समझ में आया होगा, जल्दी लिखे बाबू। सलोनी श्वेता सो गए जी, सलोनी नहीं सर, हाँ एकदम नहीं सोना है, फोटो दिखाइए उसका, कैमरा कैसे घूम गया जी, हाँ ये सब शैतान, लिखो एक बार और समझा देते हैं, अनुज वीडियो ऑन करो बाबू, अरे इसमें देखो आप जो जानते हो बाबू कि कोई भी बड़का जो कॉर्ड है सर्किल के सेंटर का क्या होगा, पास होगा, इसी बात को आपको प्रूफ करना है, किसी भी सर्किल में बाबू जो बड़का कॉर्ड होता है वो सर्किल के सेंटर का क्या होता है, पास होता है, इस बात को आप कैसे सत्यापित करोगे, जल्दी से लिखो एक बार समझा, उसके बाद इंग्लिश है, फिर शाम को कुट्टे ले जाना है आप लोग को, देखो बाबू ये सर्किल दिया हो तो आपको ये कह रहा है बाबू कि जो बड़का कोड होगा ना वो सेंटर के पास होगा, यही कह रहा आपको इस बात को, ये तो रियलिटी चीज है, जो जितना ज्यादा बड़ा कोड होगा वो सेंटर के पास होगा, इसी बात को आप प्रूफ करना, तो जो बड़ा कोड होगा सेंटर के पास होगा मतलब क्या होगा, ई वाला ओ एल दूरी कम होगा और जो छोटा कोड होगा उसका ई वाला दूरी क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसी बात को प्रूफ करना, इसी बात को क्या करना, आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना,
कुछ नहीं करना, एलकेजी का ये सब एकदम एलकेजी, इससे आसान कोई टॉपिक है नहीं है। ओएल आपको प्रूफ करना क्या करा, ओएल की वैल्यू कम होगा और ओएम की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, किसी बात को प्रूफ करना। तो कुछ मत करो, बचपन में पढ़ाए थे बाबू कि पूरा कॉर्ड ए बी है, ये ओएल परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, तो एल की वैल्यू कितना होगा, एल की वैल्यू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, और एल बराबर कितना, पूरे का आधा, पूरा ए बी है उसका आधा एल हो गया, एक इक्वेशन। सी एम है तो टोटल सी डी का आधा मेरा क्या हो जाएगा, सी एम हो जाएगा, ये हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल में चलो, ए एल में चलो, एक नंबर राइट एंगल ट्रायंगल में, आप लोग का उसमें एक नंबर दो नंबर नहीं लिख देना है ना, इसका कोई मीनिंग यूज हम किए ही नहीं। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए ओ एल में, हाँ सर बन रहा है सर, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए ओ एल में, तो क्या लिख सकते हो, ओ एल ओ ए स्क्वायर बराबर कितना, ए एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, यही करेंगे ना, ओ ए स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर, यही तो करेंगे सर। हाँ सर, ऊपर एगो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओ सी स्क्वायर वर्क कितना करोगे, ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, हाँ सर, ओ सी स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ई वाला ओ ए और ओ सी दोनों आपस में बराबर है ना, क्या है सर, सर्किल का रेडियस है, तो ओ सी बराबर ओ सी को क्या रिप्लेस कर दो, ओ को सी से कैसे रिप्लेस कर दो, ओ ए से, ओ सी को कैसे ओ ए से, तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर सी एम स्क्वायर है ना, ठीक। अभी इस दोनों में कंपेयर करो इसमें, ठीक, देखो ओ ए स्क्वायर ए एल स्क्वायर ओ एम स्क्वायर, यहाँ से ओ ए स्क्वायर सी एम स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर हो गया, आर एच एस बराबर हो गया, तो एल एच एस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इसका ए एल स्क्वायर ओ एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर ओ एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर एम ओ स्क्वायर, अरे इसका आर एच एस बराबर हुआ ना ये दोनों का जी, तो आर एच एल एच एस बराबर हो गया, तो आर एच एस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ई वाला, ये दोनों का बराबर हो गया, तो ए एल स्क्वायर ओ एम स्क्वायर बराबर कितना, सी एम स्क्वायर एम ओ स्क्वायर, ठीक सर, इतना आ गया, एक इक्वेशन इसको दे दो चार। अब आपको दिया हुआ वो ए बी का वैल्यू क्या बड़ा है सी डी से, ये क्वेश्चन में दे दिया कि एगो बड़का कॉर्ड है, बड़का कॉर्ड है ए बी ग्रेटर देन सी डी, जो बड़का कॉर्ड होगा सेंटर के पास होगा, आपको प्रूव करने का है, जो बड़ा कॉर्ड है वो सेंटर के पास होगा, तो बड़ा कॉर्ड ए बी बड़ा कॉर्ड है, ए बी बड़ा कॉर्ड है, तो इसमें एक बटा दो ए बी में क्या करो, एक बटा दो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, एक बटा दो एक बटा दो से, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ ए बी ए बी बराबर क्या है सर, यहाँ से हाफ ऑफ ए बी बराबर क्या ए एल, एल हो गया, हाफ ऑफ सी डी बराबर कितना सी डी है उसका आधा सी एम हो जाएगा, तो ए एल बड़ा ग्रेटर देन सी एम हो गया, दोनों साइड इसको स्क्वायर कर सकते हो, किसी भी वो आप दोनों साइड मल्टीप्लाई स्क्वायर डिवाइड कर सकते हो, ए एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग कर दें, ए एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर, हमको क्या यहाँ लाना है, ये देखो ए एल स्क्वायर ओ एल स्क्वायर है, तो ओ एल लाना, हमको क्या लाना, इक्वेशन नंबर फोर में ओ एल लाना, तो ओ एल ऐड कर दो दोनों साइड, एडिंग ओ एल स्क्वायर ओ एल इसमें क्या करो, दोनों साइड ओ एल ऐड कर दो, ओ एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर ओ एल स्क्वायर सी एम एस, अरे इसमें ओ एल दोनों साइड ऐड कर दो ना, क्या बनता है, क्या बन जाएगा, ओ एल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ भी ऐड कर दो, ओ एल स्क्वायर हो गया, खत्म हो गया कहानी, ओ एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर ओ एल स्क्वायर सी एम एस। अब यहाँ से देखो ये दोनों इक्वेशन वहाँ को कंपेयर करो, बगले बगले पड़ोसिया फॉर्मूला सर, ये वाला दोनों इक्वेशन वहाँ को कंपेयर करो, बगल बगल है ये दोनों का, ए एल स्क्वायर ओ एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर ओ एल स्क्वायर ओ एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर, ये दोनों का कंपेयर करो, तो आर एच एस बराबर है ना, अरे ये दोनों का कंपेयर करोगे तो आर एच एस बराबर है कि नहीं है, ठीक, तो ए एल स्क्वायर ओ एल स्क्वायर कितना लिखोगे, सी एम स्क्वायर एम ओ स्क्वायर, तो वही किया गया बाबू, ए एल स्क्वायर ओ एल स्क्वायर और ओ एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर है ना, ए एल ओ एल बराबर कितना हो जाएगा सर, ए एल ओ एल स्क्वायर कितना, सी एम स्क्वायर एम ओ स्क्वायर, तो वही यहाँ किया गया है, सी एम स्क्वायर एम ओ स्क्वायर, इधर वाला जो है वही रह गया है, इधर वाला जैसे उधर रह गया, इतना को हटा के हमने क्या लिख दिया सर, ये वाला लिख दिया सी एम स्क्वायर एम ओ स्क्वायर, सी एम सी एम मर गया, अब सी एम सी एम मर जाएगा तो क्या बचेगा, एम ओ स्क्वायर ओ एल स्क्वायर, ये दोनों साइड स्क्वायर है, तो ये जयमाला पहना दो स्क्वायर है, या इधर भी जयमाला पहना दो, इधर भी जयमाला पहना दो, तो जयमाला पहना देगा दोनों साइड है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर है जयमाला मर जाएगा, तो एम ओ यहाँ से बचेगा ओ एल, यहाँ से बचेगा तो एम ओ ग्रेटर देन ओ एल, इसको पलट दो तो ओ एल लेस देन एम ओ, अब ओ एल लेस देन एम ओ हो गया, मतलब क्या हो गया, यही ना प्रूफ करना था सर, ओ एल की वैल्यू लेस देन एम ओ था, मतलब ओ एल की वैल्यू कम है सर, ओ एल की वैल्यू ज्यादा, तो आपको प्रूफ करने क्या करा था, जो लार्जर कोड है वो क्या होगा, सेंटर से पास होगा, थ्योरम नंबर 15 बाबू इसका उल्टा है, थ्योरम नंबर 15 का इसका उल्टा है ना, उल्टा, ठीक है, इतना याद करके आना सारा थ्योरम, कूटेंगे भर पेट पीटेंगे, ठीक है बाबू, हाँ शिवानी तो खुश हो गया, छुट्टी मिल गया, क्या बजे जाना है स्कूल बाबू, क्या सर, छू एकदम खुशी हो गया बाबू, अब क्या सर स्कूल जाना है, क्या बजे, 7 बजे या 7:30 बजे,
हमारे बिहार के बच्चे को बाबू कभी चैन नहीं है। अभी सब साउथ वाला बच्चा जाके सो रहा है, 9 बजे उठेगा। उधर उत्तराखंड वाला सर हम 10 बजे उठते हैं। आई ओमवीर है कि शुभ है, कौन है बाबू? धर्मवीर है कौन हो जी? सर क्लास करवाइएगा सर आज 10th वाला। अरे रुको ना, ओमवीर हो भोला? यस सर। पढ़ेगा भोला? पढ़ा दीजिए। और चलो 10-15 मिनट पढ़ा देते हैं, बड़ी काम रहता है। चलो भोला, कल वाला टॉपिक क्लियर हो गया जी? यस सर। चलो सर, अरे शैतान ली। हाँ ठीक है, आप जाओ। आप ली करके कहाँ जाओगे बाबा? संडे ना बाबू, सलोनी श्वेता छोड़ दो क्लास। याद की सलोनी श्वेता? सर ऐसे ऐसे वॉक करने के लिए जाते तो नहीं छोड़ो ना, लेट से जाने शैतान। आज संडे देखो, हमारे बिहार में बाबू बच्चे इतना पढ़ने में तेज कैसे होते, वो सबका संडे मंडे कुछ होप भी नहीं करता है, ठीक है ना? देखो आज बहुत सारा बच्चा भी स्कूल जाएगा, अभी हम पढ़ाए 7 बजे तुरंत दौड़ते दौड़ते स्कूल जाएगा, फिर 2 बजे आएगा, तो संडे उंडे कहाँ है बाबू हम लोग के पास, है ना? इतना पहले याद की बाबू, जितना अभी आपको दिए हैं एरिया पेरिमीटर और सब याद कीजिए। सर फेयर बना रही थी। क्या चीज का फेयर बना रही थी भोली? सर ज्योमेट्री का। अरे मेरे लाल, तो इतना दिन से फेयर भी नहीं बनाई थी जी, कैसे ये सब जिंदगी में करेगी, हमको समझ नहीं आता, कुछ नहीं करती है। देवा हो देवा, सब खाली ढकेल गाड़ी है, दोनों का दोनों ढकेल गाड़ी है। दो तरह के गाड़ी होते हैं बाबू, एक अपने आप चलते हैं, एक ढकेलने पे चलता है, आप दोनों ढकेल गाड़ी। तो अल्लाह को एंगल याद की बाबू, वर्टिकल या पॉजिट एंगल क्या होता है बाबू? श्वेता बता बाबू। अब बोली सर मुझे एंगल्स नहीं पढ़ा है ना। अच्छा ठीक है, एंगल का पहले क्या पढ़ाए थे बोले? अभी पेरिमीटर का पहले क्या पढ़ाए थे? मेंबर सिस्टम। श्वेता नहीं, सलोनी को बोल रहे हैं, सलोनी को। ए सलोनी बाबू, एंगल पढ़ी ना सोलह को बाबू? यस सर। हाँ वर्टिकल या अपोजिट एंगल किसको कहते हैं? बहुत कूटेंगे ये सब, घर पेट कूटेंगे, घूमने जाएगी शैतान, जिंदगी बर्बाद हो रहा उसका टेंशन नहीं है, घूमने जाएगी सब। जब तक याद करोगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जितना जल्दी 16 गो आएंगे सारा फॉर्मूला याद करके सुना दीजिए, छोड़ देंगे। यानी तो मेरा तो क्लास 10 बजे तक चलते रहेगा, अभी दिन भर चलेगा, संडे उससे क्या, बैक टू बैक चलते रहता है। जितना जल्दी याद करके सुना दो तभी घूमने जाने देंगे। 16 गो एंगल और प्लस क्या एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम वाला। लैपटॉप को कहा हो गया जी, हैंग हो गया जी। वर्टिकल या अपोजिट एंगल दोनों साइड इक्वल होते हैं? देख के नहीं बताना भोली, अपने मन से बताना है, देख के नहीं बताना। हमारे पास 3 नेत्र है, ठीक है ना, 3 आंख है, क्या कर रही हूँ नहीं कर रही, 1 आंख आप ही लोग के पास रहता ध्यान। चलो बाबू, ओम वीर और शैतान, मेरा लैपटॉप तो काम ही नहीं कर रहा है जी। कौन कौन है जी? है शुभ शैतान, कौन कौन है सब देखने दो। शुभ हो गया, शिवम हो गया, चलो ठीक है वीडियो ऑन करो बाबू। शिवम और किसका बंद है बाबू? है सलोनी, वीडियो ऑन करो, अब बैठ कर बाबू याद कीजिए। सब शैतान है, कुछ पढ़ती लिखती नहीं है। जल्दी 16 को एंगल याद कीजिए बाबू। ओके सर। 16 एंगल याद कीजिए, एरिया पेरिमीटर याद कीजिए, श्वेता को भी बैठा उस बात के साथ साथ में। ये सब ढकेल गाड़ी, ऑन हो जा। चलो ऑन तो हो गया भला।